रोजगार के मतलब आरजेडी सरकार है, बेरोजगार के मतलब नीतीश कुमार है, भ्रष्टाचार के मतलब नीतीश। बहुत किए, 3 तलाक हटा दिए, 370 हटाए, राम मंदिर के बनवाए, 400 लाए, देश को सुरक्षित कर दिए। अब क्या चाहिए देश को? बिहार का प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी गुजरात में लगाते हैं और बिहार में वोट लेने आएंगे, हम वोट दे देंगे, इतना बुड़बक समझ रहे हैं क्या? नीतीश कुमार बोल दे नू तो हमको 20 फीट ऊंचा उसका मूर्ति हम बनवा दें, पचमी चाहे बेतिया में रहा। इसका मोटिव है कि सरकार में आना है और सरकार में आने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी फेंक सकते हैं, कुछ भी जुमलाबाजी कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ भी सुन नहीं सकते हैं। हमें भगवान आँख और कान दिए। अनपढ़ लोग पलटूराम कहते हैं, नीतीश कुमार इंजीनियर है, नौवा फेल नहीं है। मेरे हाथ में आप लॉलीपॉप देख रहे हैं। हम लोगों से जानने के लिए आए हैं कि आखिरकार बीजेपी लोगों के बीच कितनी जुड़ी है और क्या कुछ की है देश की प्रगति के लिए। लॉलीपॉप देख रहे हैं मेरे हाथ में, देख लिया। अच्छा, क्या बोलेंगे 10 साल बीजेपी क्या कुछ की है बिहार? बहुत लगे हाथ में, देखिए कितना बेमिसाल है मोदी जी का। क्या क्या किए? बहुत किए, 3 तलाक हटा दिए, 370 हटाए, राम मंदिर के बनवाए, 400 लाए, देश को सुरक्षित कर दी। अब क्या चाहिए देश को? अच्छा, तो रोजगार की, आजकल के युवा को क्या चाहिए? रोजगार तो रोजगार नहीं है क्या? अरे कहाँ नहीं रोजगार है, जो मेहनत करेगा वही रोजगार पाएगा ना, जो मेहनत करबे नहीं करेगा। नौकरी है, आप माइक लेके आए हैं यहाँ, आप रोजगार रोजगार नहीं है। एक अभी जो आप खड़ी हैं, सुरक्षित खड़ी हैं, आप लड़की है ना, महिला है ना, बेटी बचाओ सुना होगा, आप उसमें आती है ना? नहीं नहीं, उसमें आती है ना, वो किए पे किया है मोदी। आप अगर आज खड़ी हैं प्लेटफॉर्म पे, अच्छा जो तो और पलटूराम है उनके बारे में देखिए, अनपढ़ लोग पलटूराम कहते हैं, नीतीश कुमार इंजीनियर है, नौवा फेल नहीं है, महागठबंधन 18 कहे नहीं, कहे नहीं जाएंगे, जिसे पटबे नहीं करेगा अपना मनमानी कोई काम करेगा, अपना मनमानी काम करेगा, जबरदस्ती काम, गार्जियन हो ये बताइए, जब बाप बेटा का हिस्सा नहीं देगा जबरदस्ती उसको मार के लेगा हिस्सा, नहीं लेगा। अच्छा, नीतीश कुमार तो बोले थे मर जाएंगे थूक तक नहीं जाकर चाटेंगे। सब आदमी कहता है, कोई नेता सही नहीं है, इधर जो सब नेता मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री है, हाँ तो वही पलोस का भारी है, वनपन इंजीनियर है, इंजीनियर कितने आदमी कहना चाहता है, कितने आदमी उसको पाछे रहता है, की उनके बात का कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार बोल दे नू तो हमको 20 फीट ऊंचा उसका मूर्ति हम बनवा दें, पचमी चाहे बेतिया में मर जाएंगे नहीं जाएंगे, फिर चले गए, अब नहीं जाएंगे बीजेपी में, जाएंगे नहीं, उनका पार्टी डगमगा रहा है, उनका सत्ता डगमगाने वाला है। कैसे कैसे क्यों नहीं, क्योंकि उसमें देखा जा रहा है कि जो रोजगार जो आदमी है, जैसे तेजस्वी यादव जी थे, जो अपना मनमानी कर रहे हैं, तो जो भी थो उस प्रकार से उनका सत्ता डगमगाया नहीं, उनका बीजेपी का सीट है अभी बिहार में, कह रहे हम नौकरी दिए हैं अभी, वो कैसे नौकरी देती है उनका सरकार, वो नौकरी कैसे देती है? क्या मनमानी कर रहा था जरा बताइएगा, तेजस्वी यादव क्या मनमानी कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, आपको नोटिस में आया है कि क्या मनमानी कर रहे थे, आप बताइए क्या मनमानी कर रहे थे? नोटिस कहाँ से आ जाएगा जी, बेसिस पे कह रहे हैं कि मनमानी कर रहे थे, बताइए एक भी पॉइंट बताइए मीडिया को, कहे भागे नीतीश कुमार, कहे भागे आप बताइए ना, पलटूराम इसीलिए भागे ना, हाँ ठीक है, पलटूराम हो गया, बीजेपी का देन, बीजेपी का देन है कि सत्ता में आया था नीतीश कुमार, बीजेपी का टिकट से लड़ा था, इसीलिए इधर उधर करते रहता है, नहीं कहा नहीं, आपका कहना लग रहा है ना, लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप दे दिए हैं बीजेपी, हाँ हाँ हाँ, उतने देर ही टिकने वाले, तेजस्वी यादव कुछ नहीं किए, कैसे नहीं किए बताइए, जितना आँख वाला, अच्छा वो गांधी मैदान में जो नौकरी मिल रहा था वो कहाँ, राशन के जैसे नौकरी देखा मिला था, किसी का बोलने का ढाल नहीं है, रोजगार दिए हैं 17 महीना में 2.5 लाख रोजगार दिए, नीतीश कुमार कहाँ से दिए, तेजस्वी की हमारे पास पैसा ला, पैसा बाबू घर से लाएंगे, तो गलत है, पैसा बाबू घर से लाएंगे, बोलिए आप बोले ना, रोजगार नीतीश कुमार दिए हैं, क्या रोजगार कौन दिए, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार, रोजगार का मतलब नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार बोल रहे हैं, रोजगार के मतलब आरजेडी सरकार है, बेरोजगार के मतलब नीतीश कुमार है, भ्रष्टाचार के मतलब नीतीश कुमार, क्या 10 साल में बीजेपी ने लॉलीपॉप आप लोग को दे दिया है? हाँ लॉलीपॉप लॉलीपॉप, ये बात सही बोले, हाँ हमने देखिए भाई से बोलना चाहते हैं, बीजेपी सुनिए ना मैडम, अभी बिहार में बीजेपी मोदी जी आए थे, ठीक है हम 10 साल की बात नहीं करते, मोदी जी 10 साल से है केंद्र में, हम बस 5 साल से बात करते, मोदी जी जो है गुजरात से बिलोंग करते, गुजरात में उनकी 26 सीट है और हमारे बिहार में उनको 39 सीट मिला है, यहाँ पर जितने भाई है
वो बता दे कि मोदी जी कोई नया यूनिवर्सिटी आया, कोई बड़ा हॉस्पिटल दे दिया हो बिहार। पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण बेतिया में मेडिकल कॉलेज है। अच्छा अकाउंट में पैसा आया आपके? हमको अभी बेतिया है। हम कहां पर कॉलेज में एक बात बताइए ना, कहां पे हमारा ऊंचा है देश। सुनिए 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 सुनिए, दिन बाद भी राशन मिल रही है और इनको लग रहा है कि बहुत अच्छी काम हो रही है सर। भाई देखिए बीजेपी जो है जुमलाबाजी, सुनिए बीजेपी यहाँ पर है ना, हम देखिए सुनिए, हम देशभक्त और हमारे भगवान दो आंख दिए और कान दिए, हमें अच्छी तरह से सुनाई और दिखाई देती है। वही अमित शाह, उन्होंने बोला था कि हम सरकार में आने के लिए 15 लाख जुमलाबाजी किए थे, तो इसका मोटिव है कि सरकार में आना है और सरकार में आने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी फेंक सकते हैं, कुछ भी जुमलाबाजी कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ भी सुन नहीं सकते हैं। हमें भगवान आंख और कान दिए। अमित शाह ठीक आएंगे मोदी जी, चुनाव के लिए बस चुनाव वो अभी भी है, सेम वैकेंसी है, पॉपुलेशन बढ़ गई है लेकिन वैकेंसी नहीं बढ़ी है। आप बताइए ना, 17 महीने में कबो बिहार में पेपर लीक ना हुआ, सरकार बदलते मैं तरह के महीने में पेपर लीक। सरकार बदल गई, आप लोग घर में रह गई, सरकार बदल गया, आप लोग घर में से निकल गई। 17 महीना पहले भी 2014 से तो बीजेपी की ही सरकार है ना, की सरकार थी, हम लोग तो निकल ही रहे थे। निकल रहे थे किसका सरकार में? नीतीश कुमार के सरकार में। नीतीश कुमार के सरकार में बुरा नहीं मानिएगा जो बोल रहे हैं कि घर से नहीं निकल रहे थे, तो पैदा कहाँ से ले लिए लालू जी के राज में? घर में रहे कहाँ निकल रहे? नीतीश जी बोल रहे हैं, नीतीश जी बोल रहे थे महिला पहले नहीं घूम रही थी तो। अच्छा, एक बात बताइए कि बोल रहे थे कि राशन देंगे या फिर रोजगार देंगे या फिर बैंक खाते में 5 लाख रुपए, क्या आपके अकाउंट में आए? हमारे अकाउंट में पैसा है, रोजगार की कमी नहीं है। कितने रोजगार है ऑनलाइन? आज के युवा तो यहाँ पे है ना, क्या रोजगार मिला? नहीं, हम लोग का नहीं मिला, हम लोग बेरोजगार हो गए। अच्छा, स्टार्टअप करने के लिए बोल रहे हैं, स्टार्टअप मतलब क्या समझ रहे हैं? पकौड़ी बनाना? वही बोलना चाहते हैं। अरे पकौड़ा बेचना है? सुनिए मैडम, पकौड़ा बेचना खराब चीज थोड़ी है? अगर पकौड़ा बेचना रोजगार होता, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर पकौड़ा बेचना चले जाए, चाय बेचना चले जाए, तो जो बेचारा मूर्ख आदमी, गरीब आदमी पकौड़ा बेच रहा है, उनका तो रोजगार छिन जाएगा। और जब उनका रोजगार छिन जाएगा तो गुंडा बन के चाकू उठाएगा, और जब गुंडा बन जाएगा तो फिर इज्जत बचाने के लिए नेता बन जाएगा। तो मतलब पढ़े लिखे पकौड़ा बेचो और मूर्ख गद्दी पे राज करो। हमारे देश के प्रधानमंत्री आप उत्साहित करने के अलावा कुछ, पकौड़ा बेचने के अलावा भी बहुत कुछ बोल सकते थे। ये बोल सकते थे हम 15 लाख के वादा किए थे, चलो 15 लाख नहीं 5 लाख देते, बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है, बहुत सारे कंपनियां देते। हाँ, हमें नहीं कहते कि आप हमें सरकारी नौकरी दीजिए, हम मान लिए। आप ही बोलते हैं कि लालू जी का राज जंगल राज है, 15 साल लाल। बिल्कुल, देखिए हमारे पीछे जनता, हम इन्हीं के मुंह से सुनेंगे क्या बीजेपी 10 साल में बिहार में लॉलीपॉप थमाई है। मैडम इधर सुनिए, लॉलीपॉप न मिला है जी, लॉलीपॉप न मिला है। बिहार का प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी गुजरात में लगाते हैं और बिहार में वोट लेने आएंगे, हम वोट दे देंगे, इतना बुड़बक समझ रहे हैं क्या? 15 लाख का लोभ में फैन लोभ में आएंगे हम थोड़ी बिहारी है। बिहार को हमेशा मोदी, सुनिए, खास करके तो मोदी जी को बिहार में, बिहार को हमेशा मोदी जी बदनाम किए जंगल राज बोल के। 1990 में बिहार से ज्यादा मुंबई में दंगा होती थी, लेकिन मुंबई में सपनों की रानी बोला जाता है। मुंबई छोड़िए ना, अगर बिहार में जंगल राज रहता तो गांधी मैदान में भाषण देने नहीं आते वो प्रधानमंत्री जी। तो पूछ रहे हैं जनता से ही जानने आए, क्या बीजेपी सिर्फ लॉलीपॉप दे दी है बिहार के जनता को? तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पे हमने जनता से जानने के लिए आए कि जनता का क्या कुछ कहना है कि 10 साल में बीजेपी ने लॉलीपॉप थमाया है बिहार की जनता को। तो साफ तौर पे आपने सुना कि क्या कुछ कहना है। ऐसा ही खबरों के लिए जुड़े रहे देशवा न्यूज के साथ, मैं काजल सर्वे।